बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 78 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार यानी 7 नवंबर को मतदान शुरू हो गया, जहां सभी की निगाहें राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे के मुकाबले पर टिकी है। चुनाव में राजग जहां सरकार विरोधी कारक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को टालने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, वहीं राजद नीत महागठबंधन भी पूरे जोश में है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देशन में निर्वाचन विभाग निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शुरू हो गया। आयोग ने बताया कि तीसरे चरण के तहत कुल 78 विधानसभा क्षेत्रों और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलों में मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तथा कोविड-19 संक्रमण से बचते हुए समस्त गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। आयोग के मुताबिक सभी 78 विधानसभा क्षेत्रों में 33,782 मतदान केंद्रों के लिए इतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सेट पर तथा वीवीपीएटी के प्रबंध किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के तहत अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है तथा चुनिंदा मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था होगी। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज आखिरी दौर में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। सभी दलों ने तीसरे और अंतिम चरण में अपना पूरा जोर लगा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड तक खेला। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में तब्दीली की गंगा गंडक और कोसी बह रही है, बदलाव उफान पर है। बिहार महासंग्राम के आखिरी रन का हर अपडेट जानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।